सीजन वन देखा करता था एज अ दर्शक, तो मैं हमेशा पर्ल जी को फ़ोन किया करता था कि इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट शो, और प्रतिज्ञा जैसा शो, मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं प्रोड्यूस करूँ, मेरे टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। और जब पर्ल का फ़ोन आया कि शी इज़ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, शो रनर एंड द राइटर ऑफ सीजन टू, और ये बनाना चाह रहे हैं, तो क्या मैं साथ में कोलैबोरेट करना चाहूँगा एज अ प्रोड्यूसर, एंड आई जंप्ड, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, और बहुत अच्छा लग गया इनके साथ काम करने का। और जो खूबसूरत फैमिली लेके आए हैं सज्जन सिंह की है, एंड हम क्या नया रेलिवेंस लेके आते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, होपिंग फॉर दैट, या टू टू होपिंग फॉर दैट ओनली। वी हैव वर्कड अर्लियर ऑल्सो टुगेदर, सो एंड आई नो लाइक क्रिएटिवली ही इज़ वेरी गुड, सो हिज क्रिएटिव आइडियाज, थाट्स, एंड जब स्क्रिप्ट मैं सुनाती भी हूँ तो उसमें कुछ जो भी इनपुट्स होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। लाइक मोस्टली लाइक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट दूसरों का वो नहीं कर पाती जब तक जो है इट इज़ ऐप, तो लाइक ही इज़ वेरी गुड विद दैट। तो हम लोगों का ये पहले भी था, जब शुरुआत में भी हम लोगों ने काम किया था, तो क्रिएटिवली हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो हियर ऑब्वियसली हिज सपोर्ट इज़, आई विल से कि इट इज़ नॉट ही हैज़ गॉट प्रतिज्ञा काइंड ऑफ अ थिंग, इट इज़ वी वॉन्टेड, आई वॉन्टेड हिज सपोर्ट इन प्रतिज्ञा टू, एंड विच ही रेडिली एंड हैप्पीली एक्सेप्टेड, सो विच इज़ अ गुड थिंग, ही हैड ऑलवेज बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी ऑल्सो इन पास्ट फ्यू ईयर्स। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक रोल मन की आवाज़ प्रतिज्ञा टू, पार्ट वन वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और जैसे मैंने कुछ ही दिन शूट किया है, लेकिन द वाइब आई एम गेटिंग आई थिंक इज गोना बी अ बिग सक्सेस। हाँ हाँ, ये तो मेरा जो कैरेक्टर है वो बाहुबली है, हरियाणा से, सो वेरी हार्ड गाय, और ये लोग कुछ गलत कर देते मेरे साथ, यू नो, बिग, सो नाउ इज़ गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, और नाउ दिस गाय इज़ सीकिंग रिवेंज, तो अब इसके मन पे सिर्फ खून सवार है, और नाउ इज़ कमिंग टू गेट देम, एंड दे आर ऑल्सो वंस अपॉन अ टाइम देवर बाहुबलीज, सो अब एक हरियाणवी बाहुबली और एक यूपी की बाहुबली की टक्कर होगी इस शो में, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जैसे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, the little things of every character is fantastic, like, you know, I don't really see that much on television, and yahan pe har ek character ek character hai, just not just like another character, so and the power of, like, I mean, about 5-6 scenes kiye hain ab tak, but each and every scene has been wow. I've told them, like, I feel like I'm doing a movie. अपना अंदाज तो सभी देखेंगे अब आगे, तो पहले मैं बता दूं कि मैं हूं कोमल, और आशीष कपूर हमारे कास्ट को ज्वाइन किया है इन्होंने एज आदर्श, तो इनका जो रोल है, इनका जो कैरेक्टर है, ये ओल्ड आदर्श से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, सो ये बिल्कुल एक न्यू फ्रेशनेस लाएंगे हमारी शो में, और अब आशीष बताएंगे आपको। अच्छा, थैंक यू। जैसा कि आप सबने देखा होगा, प्रतिज्ञा वन में जो आदर्श था उनकी डेथ हो गई थी, तो ये नया लड़का आया है शो में, नाम आदर्श है, लेकिन उस आदर्श और इस आदर्श का कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो आदर्श है, इसका बिजनेस दूध का है, और दिल एकदम मलाई मक्खन जैसा है, जो कि इन पे फिदा हो जाता है, इनसे प्यार कर बैठता है। इनके बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे, तो धीरे धीरे जैसे कि ये लव स्टोरी आगे बढ़ती है, तब इन्हें थोड़ा बहुत जानना शुरू करता हूँ मैं। और प्रतिज्ञा, जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल ही अलग शो है, उसमें मार धार, लड़ाई, गोलियाँ, ये सब चलता है, तो ये जो हमारा जो साथ में कनेक्शन है, ये अलग फ्रेशनेस, एक प्यार लव स्टोरी लेके आएगा शो में, जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी सज्जन सर, हमारे साथ अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो में भी थे,
कुछ से एक उन्होंने कैमियो किया था, तो मैं अगले जन्म मोहे बिटिया की जो मैं रणविजय ठाकुर प्ले कर रहा था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे था। और इस शो के राइटर और इस उस वक्त जो चैनल हेड थी वो पर्ल मैम, वो सारे इस शो से भी रिलेटेड थे, तो शायद उन्होंने मुझे रणविजय ठाकुर में इतना पसंद किया था, वही विश्वास अब उन लोगों ने मुझ पर जताया है। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं इस चीज़ को जो पहले फर्स्ट और सेकंड गियर में था उसे अब मैं थर्ड और फोर्थ पे लेके जा सकूं। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, केसर तो वही है, जैसे केसर सीधी सादी है, कभी स्क्रिप्ट आती है इसको मारना है तो मार देते हैं, कभी दबाना है तो दबा, गाड़ना है तो गाड़ दे, कभी पागल बनाना है तो पागल बना देते हैं। तो केसर मतलब रेडी हर चीज़ के लिए, और हमेशा रेडी रहती हूँ मैं, क्योंकि राइटिंग में इतना दम है तो करने में भी मज़ा आता है। वैसा है नहीं कि आप केसर है तो बस वैसा, ऐसा नहीं। और राइटिंग अच्छी हो तो कन्विक्शन, राइटिंग हो तो आप अपने किरदार अपने कैरेक्टर को और अच्छा बना सकते हैं। तो वही जिस वजह से इसका एक प्रतिज्ञा का फ्लेवर ही यही है कि जैसे जैसे स्क्रिप्ट आती है लोगों को हर एक इसमें मज़ा आता है, हर एक एपिसोड में मज़ा आता है। लॉकडाउन से पहले हमने फिनिश किया था प्रतिज्ञा 1 और अब लॉकडाउन ओवर हो गया तो प्रतिज्ञा 2 शूट कर रहे हैं, ऐसे ही फील हो रहा है हमको कि बीच में बस लॉकडाउन आया था एंड दैट्स इट, उसमें हमारी गलती नहीं थी। ऑलरेडी इतने साल साथ में काम कर चुके हैं तो वो जो बॉन्डिंग है वो इतनी एफर्टलेस, इतनी नेचुरल है कि वो फर्स्ट डे आते ही वो क्लिक मिला। इवन फॉर द कैरेक्टर्स द मोमेंट सर सेड एक्शन, वो अपने अपने कैरेक्टर्स में थे, प्रतिज्ञा वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कृष्णा एकदम से आ गया, तो पूजा सेड मसल मेमोरी है, तो वो एक्चुअली ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं और वैसे ही फील हो रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा नया नहीं, कुछ डिफरेंट ऐसा ही लग रहा कि ओ ये क्या हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया। हाँ, एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है, बट बहुत बहुत अच्छे स्वीट एक्टर्स हैं सब हैं, और अभी हमने कुछ खास ज़्यादा सीन्स शूट भी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी कनेक्ट हमें मिल चुका है। बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था, क्योंकि एक ऐसा शो करना जो इतना सक्सेसफुल हो, जिसको ख़त्म होने के बाद भी इतना जिसकी डिमांड की जाए कि वापस आना चाहिए, सीज़न 2 आना चाहिए, और वो 10 साल वो चीज़ चली, फैंस ने मांगते रहे और फाइनली ये शो वापस आ रहा है, तो इट वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। एंड दिस इज़ माई शो, दिस इज़ माई बेबी, एंड ये एक ऐसा शो है जिसने मुझे सब कुछ दिया है, तो उस शो का सीज़न 2 बनना मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, और ऑफ कोर्स ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। सो इट वाज जस्ट अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी। थोड़ा सा शरीफ हो गया है कृष्णा इतने सालों में, और हाँ मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रतिज्ञा ने इतना समझाया होगा इतने साल तो थोड़ा शरीफ हो गया है, बाबूजी भी थोड़े सुधर गए हैं, बच्चे हो गए हैं, तो थोड़ा सा एक जो नेचुरल चेंज आता है वो आ गया है, और लेकिन हाँ अभी वो चेंज रहता है, सस्टेन होता है कि नहीं होता वो पता नहीं, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा बदलाव दिखेगा कृष्णा के अंदर। कैरेक्टर वही है, वही शैतानी है, सब कुछ है, लेकिन हाँ वो जो जितना भी इल्लीगल स्टफ़ था, जो गुंडागर्दी थी, वो सब चीज़ें थी, वो अभी आई गेस फिलहाल तो नहीं दिखेंगी। प्लीज़ कीप लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस द वे यू हैव डन टिल डेट, तो इस सीज़न 2 को भी उतना ही प्यार दीजिए, और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं इस शो से तो आपको बहुत बहुत निमंत्रण है 15 मार्च से मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM। जो इतना बड़ा शो, इतना हिट, जिसके एक एक लाइन, एक एक डायलॉग्स, और शांति सर जिनके साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था अगले जन्म, तब मुझे जब कॉल आया तो मेरे पास ये था कि इस शो से अगर मैं जुड़ती हूँ बड़े ब्रांड के साथ, बड़े चीज़ों के साथ, तो इससे बेटर कमबैक कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे हर शो में एक एक छोटा से छोटा कैरेक्टर एक अपनी जगह बना के जाता है, ये वैसा शो है, तो इसके लिए ना बोलना ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा लॉस होता। मैं धारा त्यागी प्ले कर रहा हूँ, ये विलन नहीं कह सकते आप, ये विलन का बाप है। ये ऐसा कैरेक्टर है, ये जहाँ जाता है तो लोग सिर्फ इसको देखकर डरते हैं, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं और जो इसके हाव भाव है उससे सामने वाले को लगता है कि किसी भी मिनट ये हमें मार सकता है, डरा नहीं सकता, मार सकता है। सो ये इतना ज़्यादा वायलेंट है। एंड व्हेन आई हैव गॉट द ऑफर फॉर दिस रोल, तो ये रोल सुनते ही आई वॉज़ लाइक, सबसे पहले मैंने ये बोला कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है मेरे लिए ही लिखा है। हाँ, अब धमाका होने वाला है, और ये दर्शकों की मेहरबानी है, उनकी कृपा है कि उन्होंने सीज़न 1 जो है देखा और आज भी देखते हैं,
उम्मीद करते हैं कि सीज़न टू को भी उसी तरह वो पसंद करेंगे। सज्जन सिंह ऐसा करेक्टर है ना, हर आदमी अपने अंदर सज्जन सिंह देखता है तो उसको नौ रस मिलते हैं और हर रस में वो मगन होता है। तो उसी तरह से अब मैं सीज़न टू में भी कुछ नया आपको दिखाने वाला हूँ। बस स्क्रिप्ट आ जाए, अभी स्क्रिप्ट आई नहीं है, आउटलाइंस मालूम है। और आउटलाइंस में सिर्फ इतना मालूम है कि दहलका तो मचेगा ही और अपना रूप उनको दिखाएंगे कि किस तरह से, जो जिस तरह से एक्सेप्ट किया है और दर्शक इसको भी एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कलर्स दिखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको शेड्स दिखने को मिलेंगे। भैया जल्दी आ रहे हैं, देख लो प्रतिज्ञा टू, जब ठाकुर सज्जन सिंह से आप सबकी मुलाकात होएगी। देखो जरूर, न देखो तो झगड़ा हो जाएगा, बता दे रहे हैं, समझो। हाँ तो देखत रहो, मस्त रहो, जियत रहो, जीतत रहो। महादेव।